Hello guys, this is Raju here, and in this JavaScript series today we are going to talk about variables. So today we are going to talk about two topics. First, variables, and dusra topic, get element by id. So we are going to talk about these two today. Fine. So सबसे पहले बात करते हैं variables की. Variables क्या होता है? सो अगर हमें कुछ भी प्रिंट करना है, लाइक इफ़ यू वांट टू कंसोल एनीथिंग, कंसोल डॉट लॉग एंड हेलो हेलो वर्ल्ड. ओके, सो मैंने इसे कंसोल कर दिया, सेव कर लेता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ. सो गो लाइव पे मैं क्लिक करता हूँ. थोड़ा इसमें टाइम लगेगा. ये मेरा ब्राउज़र ओपन हो गया. ओके, अब मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाता हूँ. कंसोल, सी हेलो वर्ल्ड, हमारा आउटपुट आ चुका है. दिख रहा है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड. फाइन, बट अगर हमें हेलो वर्ल्ड को रीयूज करना है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि हेलो वर्ल्ड को मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लूँ और फिर उसको बार बार यूज कर पाऊँ, सो हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल ले सकते हैं. वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, एक्स, ए, बी, वेर, वी कैन गिव एनी नेम. सो लेट मी टेक द वेरिएबल नेम वेर एंड वेर सॉरी लेट मी टेक माई वेरिएबल नेम ए एंड ए के पहले कोई भी वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में लिखते लेते हैं तो उसके पहले लिखते हैं वेर. सो वेर ए. ओके, ए में स्टोर क्या करना है? सो असाइन विथ हेलो वर्ल्ड. सो हेलो वर्ल्ड. अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में हमें हेलो वर्ल्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे हम सिर्फ लिख सकते हैं ए. सेव हो गया. चेक करते हैं, सी अभी भी आउटपुट वही है, हेलो वर्ल्ड. ओके, अब हम इसको रीयूज कर सकते हैं कितनी बार भी. अगर हमें दो बार करना है तो अगेन कंसोल डॉट लॉग ए, लेट मी सेव इट अगेन, सी दो बार हेलो वर्ल्ड. और जरूरी नहीं कि हम सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही स्टोर करें, हम एक और वेरिएबल दे लेते हैं एक्स, और एक्स में सपोज कोई नंबर स्टोर कर लेता हूँ 1 to 5. अब मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करता हूँ बी, लेट मी सेव, सी हेलो वर्ल्ड. ओके, आउटपुट नहीं है. ओके, इट्स नॉट बी, एक्स होगा वेरिएबल. सो सेव, सी हेलो वर्ल्ड 1 to 5. फाइन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट get element by id. What is this get element by id? So let me show you something. So मैं यहाँ पे एक p tag create करता हूँ, p या फिर h2, और मैं h2 में कुछ लिख देता हूँ, hey I am h2, anything, या hey I am Sachin. okay, so let me run this, see hey I am Sachin आ गया. अब सेम काम हम डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट की हेल्प से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट से, विदाउट यूजिंग स्टैटिक टेक्स्ट. सो यहाँ पे h2 को हम एक आईडी दे देंगे, आईडी असाइन विद आईडी का नाम. सो लेट मी गिव इट सम टेक्स्ट, वी कैन गिव एनी आईडी. सो मैंने आईडी क्या दे दिया, सम टेक्स्ट. आईडी कैसे देंगे, h2 ओपनिंग टैग के अंदर आईडी असाइन विद डबल कोटेशन में आईडी का नाम. लेट मी सेव दिस. नाउ इन जावास्क्रिप्ट फाइल वी कैन डू दिस लाइक डॉक्यूमेंट. सो आई एम राइटिंग डॉक्यूमेंट हियर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट हियर? डॉक्यूमेंट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल, दिस इज डॉक्यूमेंट. सो फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट में से हमें क्या गेट करना है, हमें h2 गेट करना है. ठीक है, हमें h2 में कुछ टेक्स्ट पुट करना है. तो h2 की आईडी क्या है, सम टेक्स्ट. तो वही हमने लिखा यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. अब आईडी का नाम देना होगा. ओके, सो आईडी का नाम क्या है, यहाँ सिंगल कोटेशन में सम टेक्स्ट. देन उस आईडी में हम कुछ टेक्स्ट पुट करना चाहते हैं, तो डॉट इनर एस टी एम एल असाइन विथ
जो भी हमें देना है। हे आई एम कमिंग फ्रॉम जेएस फाइल, सो वी आर डन हियर, लेट मी सेव दिस एंड सी। हे आई एम कमिंग फ्रॉम जेएस फाइल। सो हम एचटीएमएल फाइल में डायरेक्ट यहाँ पे टेक्स्ट नहीं दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, H2 टैग को जावास्क्रिप्ट फाइल में गेट कर रहे हैं और यहाँ से टेक्स्ट को पुश कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड देन वी विल कंटिन्यू विद नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।